दोस्तों, अगर आप भी सूर्य कुमार यादव और संजू सैमसन को बेहद खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट मुकाबला खेला गया और इस मैच में तो रोमांच की सारी हदें ही पार हो गई, जहां पहले भारत के विध्वंसक बल्लेबाजों कप्तान सूर्या से लेकर संजू सैमसन और रिंकू सिंह का तूफान देखने को मिला तो हार्दिक पांड्या ने तो अपने बल्ले से ऐसा हाहाकार मचाया देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह गई। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे भारत और साउथ अफ्रीका के तीसरे T20 का रोंगटे खड़े कर देने पूरा हाईलाइट। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हैं टीम इंडिया ये T20 सीरीज भी जीते तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि इंडिया साउथ अफ्रीका के बीच 4 मैचों की T20 सीरीज का धमाकेदार शुभारंभ हो चुका है, जहां एक एक से बराबरी पर खड़ी इस कांटे की T20 सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट तीसरा T20 मुकाबला यहां सेंचुरियन के सुपर स्पोर्ट पार्क क्रिकेट स्टेडियम में शुरू हुआ। तब एक बार फिर टीम इंडिया का बोलबाला हमें देखने को मिला, जहां टीम इंडिया इस मैच को जीतकर सीरीज में कब्जा करना चाहती थी। वहां इस मैदान पर साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और इंडिया की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, जिसके बाद में भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आई। भारतीय टीम के लिए पारी की शुरुआत करने के लिए आज एक नई ओपनिंग जोड़ी मैदान पर उतरी। भारत के लिए आज अभिषेक शर्मा के साथ में संजू सैमसन मैदान पर उतरे। इन दोनों पर टीम इंडिया को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी, जहां इन दोनों ने शुरू के 2 ओवर तक संभल कर बल्लेबाजी की और सिंगल डबल से पारी को आगे बढ़ाया। हालांकि शुरू में साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों ने भी कसी हुई गेंदबाजी की, लेकिन 2 ओवर के बाद में इन दोनों ने ही अपने गियर बदल दिए। खासतौर पर पिछले मैच के हीरो संजू सैमसन ने एक बार फिर से अपने इरादे साफ तौर पर जाहिर कर दिया, जहां संजू ने पहले तो तीसरे ओवर में 2 तूफानी छक्के और 1 चौका लगाया। वहीं उसके बाद 4th ओवर में संजू और अभिषेक शर्मा दोनों ने 1-1 छक्के लगाकर पूरी तरह से साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों के ऊपर काउंटर अटैक कर दिया। इन दोनों की बल्लेबाजी से पूरी तरह से साउथ अफ्रीका की टीम दबाव में दिख रही थी। वहीं पावर प्ले के अंतिम ओवर में संजू ने एक बार फिर से केशव महाराज को टारगेट किया और इस ओवर में भी संजू ने 2 लगातार स्टेडियम पार गगनचुंबी छक्के ठोककर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली सिर्फ 21 गेंदों पर। इस तरह से पावर प्ले के समाप्त होने तक भारत की टीम ने 71 रन बना लिए थे। अब कहीं ना कहीं संजू और अभिषेक की यह साझेदारी भारत को एक बड़े स्कोर तक ले जा रही थी, लेकिन 8वें ओवर में मार्को जॉनसन ने आखिरकार भारत को पहला झटका दे ही दिया। जी हां, जॉनसन ने अभिषेक शर्मा को आउट कर अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई, जहां आपको बता दें कि अभिषेक ने भारत के लिए 12 गेंदों पर 23 रन की पारी खेली, जिसके बाद में बल्लेबाजी करने उतरे तिलक वर्मा, जहां तिलक ने जरूर आते कुछ बेहतरीन टाइमिंग भरे शॉट लगाए और 9वें ओवर में टीम के स्कोर को 100 रन के पार पहुंचा दिया। आज तो तिलक भी काफी अच्छी लय में दिख रहे थे और कड़क शॉट खेल रहे थे। फैंस भी भारत की बल्लेबाजी का भरपूर फायदा उठा रहे थे। इस तरह से 10 ओवर की समाप्ति तक इंडिया ने 108 रन बनाए, लेकिन उसके बाद में कुछ ऐसा हुआ जो किसी भी भारतीय ने सोचा नहीं था। जी हां दोस्तों, पारी के 11वें ओवर में पहली गेंद पर तिलक बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन उनको जराल कुवेजा ने अपने जाल में फंसा लिया और भारत को दूसरा झटका दे दिया। बता दें, तिलक ने टीम इंडिया के लिए सिर्फ 7 गेंदों में 13 रन की पारी खेली, जिसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए आए हार्दिक पांड्या ने तो अपने बल्ले से गदर ही मचा दिया। आते इस खिलाड़ी ने कुवेजा की लगातार 3 गेंद पर 3 तूफानी छक्के जड़कर अफ्रीकी खेमे में हड़कंप मचा दिया, तो फिर संजू सैमसन के साथ मिलकर उन्होंने तो साउथ अफ्रीका की नाक में दम कर दिया। खासतौर पर हार्दिक तो सर पर कफन बांधकर उतरे थे, लेकिन दोस्तों उनकी यह रणनीति ज्यादा लंबी नहीं चली, जहां हार्दिक पांड्या केवल 12 गेंद पर 38 रनों की खौफनाक पारी खेलकर वापस लौट गए। इस दरमियान उनके बल्ले से 4 तूफानी छक्के भी निकले थे, जिसके बाद में बल्लेबाजी करने उतरे T20 के नंबर 1 खिलाड़ी खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव। अब सूर्य और संजू पर टीम को एक अच्छे स्कोर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी, जहां आपको बता दें इन दोनों ने 2 विकेट गिरने के बाद में सूझबूझ के साथ में बल्लेबाजी की और सिंगल डबल से पारी को आगे बढ़ाया। हालांकि 15वें ओवर में जरूर एक बार फिर से संजू सैमसन ने अपने हाथ खोले और इस ओवर में संजू के बल्ले से एक बार फिर से 1 चौका और 2 ताबड़तोड़ छक्के देखने को मिले। अब संजू एक बार फिर से अपने शतक की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। वहीं 15 ओवर की समाप्ति तक इंडिया का स्कोर भी 170 रन पहुंच गया था, लेकिन 16वें ओवर में आखिरकार भारत को बड़ा झटका लग ही गया। इस ओवर में संजू बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में केशव महाराज का शिकार बन गए। बता दें कि संजू सैमसन ने इंडिया के लिए 44 गेंदों पर 80 रन की पारी खेली, जहां इस पारी में संजू सैमसन के बल्ले से 7 छक्के और 5 चौके निकले। उसके बाद में सूर्या का साथ देने के लिए मैच फिनिशर रिंकू सिंह मैदान पर उतरे। इनको बखूबी पता था कि इनको लास्ट में कैसे बल्लेबाजी करनी है, जहां आपको बता दें कि आते रिंकू ने दूसरी गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और अपना इंटेंट साफ जाहिर कर दिया, जिसके बाद सूर्या ने भी अपने हाथ खोले और 17वें ओवर में सूर्या के बल्ले से 3 टाइमिंग भरे चौके निकले। वहीं रिंकू और सूर्या ने 18वें ओवर में अपनी टीम के स्कोर को भी 200 रन के पार पहुंचा दिया। अब कहीं ना कहीं पूरी तरह से साउथ अफ्रीका बैकफुट पर नजर आ रही थी, जिसके बाद अंतिम के 2 ओवर में इन दोनों ने जो बल्लेबाजी की वो वाकई में देखने लायक थी। इन दोनों ने अंतिम के
दो ओवर में 44 रन कूट डाले। जहां अंतिम दो ओवर में रिंकू के बल्ले से 3 तूफानी छक्के देखने को मिले, तो वहीं कप्तान सूर्या ने भी 2 आसमानी छक्के और 1 चौका लगाया। और इस तरह से टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 249 रन बनाए, जहां भारत के लिए रिंकू ने एक बार फिर से फिनिशिंग टच देते हुए 20 गेंदों पर 53 रन बनाए। इस दरमियान उनके बल्ले से 6 खतरनाक छक्के भी निकले थे। वहीं सूर्या ने भी 48 रन की पारी खेली। अब अगर साउथ अफ्रीका को यह मैच जीतना था तो उनको 250 रन बनाने थे, जो कि बिल्कुल भी आसान काम नहीं था भारत के गेंदबाजों के सामने। इसके बाद में जब साउथ अफ्रीका की टीम इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए आई, तो उनको आज एक बेहतरीन और ताबड़तोड़ शुरुआत चाहिए थी, क्योंकि लक्ष्य काफी बड़ा था। लेकिन लक्ष्य का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका की शुरुआत काफी ज्यादा खराब रही। पहले ओवर में कप्तान एडन मार्करम को हर्षदीप सिंह ने इन स्विंग गेंद डालकर क्लीन बोल्ड कर दिया और इंडिया को पहली सफलता दिलाई। जहां आपको बता दें कि मार्करम अपना खाता भी नहीं खोल पाए, जिसके बाद में बैटिंग करने के लिए आए हेनरी क्लासेन ने आते ही भारत के गेंदबाजों पर काउंटर अटैक किया और उनका साथ रियान रिकल्टन ने दिया। क्लासेन एक छोर से लगातार ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे थे और तेजी से अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। वहीं रियान भी अच्छा उनका साथ दे रहे थे। इन दोनों ने देखते ही देखते सिर्फ और सिर्फ 5 ओवर में अपनी टीम को 50 रन के पार पहुंचा दिया। लेकिन अब टीम इंडिया को विकेट की जरूरत थी और उसके बाद कप्तान सूर्या ने गेंद रवि बिश्नोई को थमाई और बिश्नोई ने आते ही पावर प्ले के अंतिम ओवर में जो गेंदबाजी की, उसने मैच को ही पलट दिया। बिश्नोई ने दोनों सेट बल्लेबाज को आउट कर दिया और इंडिया को बड़ी सफलता दिला दी। जहां क्लासेन ने 18 गेंद पर 38 रन बनाए, वहीं दूसरा और बल्लेबाजी कर रहे रिकल्टन ने 9 गेंदों पर सिर्फ 14 रन बनाए। इस तरह से पावर प्ले के अंदर साउथ अफ्रीका की टीम ने 61 रन बना लिए, जिसके बाद जरूर डेविड